गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं विजय कुमार सेन लेकर हाजिर हूँ। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। आज हम चर्चा करेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में। क्या प्रबंध पेशा है, क्या प्रबंध पेशा नहीं है? अगर है तो क्यों है, और पेशा नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या प्रबंध, जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़े थे, कला की तरह फुल्ली प्रोफेशन है, या विज्ञान की भांति आधा विज्ञान है, या विज्ञान का कोई पार्ट की तरह माना जाएगा, या फिर बिल्कुल ही नहीं है? तो प्रबंध एक प्रोफेशन के रूप में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। आज के हमारे टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक है प्रोफेशन। प्रोफेशन एक एक्टिविटी है। पेशा करने वाले व्यक्ति पेशेवर कहलाते हैं, प्रोफेशनल। प्रोफेशन एक एक्टिविटी है, ठीक है। ये एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी किस पे बेस होती है? तो ये एक्टिविटी बेस होती है स्पेशल नॉलेज पर। प्रोफेशन एक स्पेशल नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी है, जिसमें धन कमाया जाता है, अर्न मनी किया जाता है, मनी अर्निंग इसका मोटिव है, बट प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पेशल नॉलेज बेस्ड है। प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पेशल नॉलेज बेस्ड है, जो स्पेशल नॉलेज पे टिकी होती है, स्पेशल नॉलेज पे आधारित होती है, जिसका उद्देश्य धन कमाना है, लेकिन साथ में उसका उद्देश्य सर्विस मोटिव भी है, सेवा भावना भी है। जब कोई व्यक्ति सेवा भावना को लेकर, स्पेशल नॉलेज को लेकर के धन कमाता है, तो हम उस क्रिया को पेशा कहते हैं, और उस काम को करने वाले व्यक्ति को पेशेवर कहते हैं, प्रोफेशनल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर, CA, इंजीनियर, लॉयर, तो हम बात कर रहे हैं कि ये सब कौन है, पेशेवर व्यक्ति है। ये सब कौन है, पेशेवर व्यक्ति है। डेफिनेशन के रूप में दे सकते हैं, इट इज दैट ऑक्यूपेशन in which a person guides and help to others, guide help and advise. Guide, it is that occupation in which a person guide and help and advise
advices to other person on the basis of special knowledge. बच्चों प्रोफेशन क्या है, अभी आपको मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाया कि प्रोफेशन क्या है. अब उसके बाद हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि इट इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच अ पर्सन गाइड एंड हेल्प एंड एडवाइस टू अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल नॉलेज. जब एक व्यक्ति स्पेशल नॉलेज के आधार पर दूसरे लोगों को गाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, उनको एडवाइस देता है, तो उस धंधे को हम क्या कहते हैं, पेशा कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेट्रा. ठीक है, बात करते हैं आगे. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, प्रोफेशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है. करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन की बात करते हैं कि प्रोफेशन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. तो नंबर वन, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज. पिछले टॉपिक्स में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि प्रबंध, कला, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ऑल ऑफ दीज आर द स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज. जस्ट प्रोफेशन इज ऑल्सो स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज. नंबर सेकेंड इज टू डेवलप द कंसर्न एक्टिविटीज to develop the concerned activities. There are some responsibilities institutions सेकेंड करैक्टरिस्टिक्स है टू डेवलप द कंसर्न एक्टिविटीज. देर आर सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज देर आर सम रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशन देर आर सम रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूशंस इस एक्टिविटी को करने के लिए, पेशेवर एक्टिविटी को करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस भी है. जस्ट लाइक एज ए IIM, Indian Institute of Management. Number third, Ethical Code of Conduct. एथिकल कोड. जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके कुछ एथिकल कोड्स होते हैं, आदर्श नियमावली होती है. उन आदर्श नियमावलियों को हम एथिकल कोड के रूप में मानते हैं. जितने भी पेशेवर संस्थाओं में अगर आप एडमिशन लेंगे या पेशेवर सेवा में जाएंगे तो वहां उनके कुछ एथिकल कोड होते हैं हर पेशेवर एक्टिविटीज में. नंबर फोर, सर्विस मोटिव.
सर्विस मोटिव, जब मैंने इसकी शुरुआत में बताया था आपको कि अर्न मनी विद सर्विस मोटिव, इसका एक उद्देश्य अर्न मनी है, लेकिन दूसरा उद्देश्य साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन जो होता है, प्रोफेशन का मोटिव होता है सेवा देना, सेवा भावना। एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये इसके फिफ्थ नंबर की करेक्टरिस्टिक्स है। प्रोफेशन के लिए कुछ क्वालिफिकेशन जरूरी है, आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन, स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जब भी आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। एंड चार्जिंग फीस, प्रोफेशन में रेमुनरेशन नहीं होता, सैलरी भी नहीं होती, वहां पर चार्जिंग फीस होती है। आप जो भी प्रोफेशनल वर्कर्स होंगे वो अपने चार्जिंग फीस लेंगे, टीचर है वो अपनी फीस लेता है, कोई सैलरी नहीं लेता, कोई रेमुनरेशन नहीं है, वहां पर उनका क्या है, फीस है। तो ये आपको कुछ मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की बताई, इन्हीं के बेस पे अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है या नहीं है। देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन के रूप में हमने कला को पढ़ा, तो कला फुल, कला जो है, आर्ट्स जो है, कला फुल्ली 100% मैनेजमेंट है, या यूं कहें मैनेजमेंट इज फुल्ली एन आर्ट्स। साइंस की बात की तो साइंस आधी 50% क्या है, मैनेजमेंट है, वो साइंस का, साइंस की आधी विशेषताओं से मिलजुल रखता है, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो साइंस बट 50%। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में मैक्सिमम करेक्टरिस्टिक्स या मैक्सिमम जो इसके गुण हैं, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है, वो प्रोफेशन के मैनेजमेंट के मैच नहीं करते, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि मैनेजमेंट इज नॉट ए प्रोफेशन। देखिए कौन कौन से मैच नहीं करते, चार्जिंग फीस। अगर एक मैनेजर को आप देखेंगे जो मैनेजमेंट करता है तो वह चार्जिंग फीस नहीं लेता, वो अपनी सैलरी लेता है, डॉक्टर फीस लेता है, टीचर फीस लेता है, लेकिन मैनेजर, मैनेजर क्या लेता है, सैलरी लेता है। तो उस बेस पे हम क्या कहेंगे इसको, इट्स अ नॉट ए प्रोफेशन। आगे चलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब अगर आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है तो वहां पर आपको कोई एक स्पेशल क्वालिफिकेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर बनना है तो आपको बीएड करना जरूरी है, आपको नेट जेआरएफ करना जरूरी है, आपके पास पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है, आपके पास नेट सेट होना जरूरी है, टेट होना जरूरी है। तो बात ये कर रहे हैं कि उसके लिए कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई ना कोई डिग्री आपके पास में चाहिए। मैनेजमेंट के लिए भी डिग्री चाहिए, एमबीए की डिग्री होती है, लेकिन अगर हकीकत में देखते हैं पूरे वर्ल्ड में घूम लो, कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास एमबीए की डिग्री अवेलेबल है और मैनेजिंग कर रहे हैं। इंडिया में तो उनकी संख्या मुश्किल से 10% मिलेगी, क्योंकि मैनेजमेंट करते हुए मिल जाएंगे लेकिन उनके पास में एमबीए की डिग्री नहीं मिलेगी। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव जो है ये कुछ इससे मैच करता है मैनेजमेंट से, लेकिन यहां पर इनका जो उद्देश्य है मैनेजर का वो है मेकिंग मनी, धन कमाना। कुछ हद पे कुछ लोग सर्विस मोटिव को मानते हैं कि मैनेजर भी सर्विस मोटिव रखता है, बट दो करेक्टरिस्टिक्स इसको बिल्कुल मना करती है। एथिकल कोड की ओर चलते हैं, तो एथिकल कोड की बात करें तो मैनेजर, मैनेजिंग की तरफ से हर इंस्टीट्यूट में अलग एथिकल कोड होते हैं, पहली चीज, और नो यूनिवर्सिटी कोड ऑफ कंडक्ट। नो यूनिवर्सली कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट यूनिवर्सली नहीं है, मिलेंगे लेकिन हर संस्था में अलग मिलेंगे, अपने हिसाब से मिलेंगे। तो यहां पर ये एथिकल कोड के हिसाब से भी इसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। तो हमने मैक्सिमम जो अभी पढ़ी, अब तक जो पढ़ी है, उनमें तो कंडीशन ये आ रही है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है।
हाँ, फर्स्ट वाली जो है, हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है कि स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, इस बेस पे इसको मैनेजमेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज से तुलना करते हैं तो कम से कम 50% आधा तो मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति से मिलान कर रहे हैं। कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ द ईस्ट। कालिदास पूर्व का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर बहुत से गुण मिलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि चेतन भगत की बात करें, या हम किसी और कवि की बात करें, राइटर की बात करें, ठीक है, और किसी पॉइंट की बात करें, तो उसके अंदर अगर उतने गुण नहीं मिलते हैं, 50% अगर गुण मैच नहीं करते, आप उसको कैसे तुलना कर सकते हो? आप उसको नहीं मान सकते। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं कि स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज एक गुण मिल रहा है। ठीक है, इसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, प्रबंध एक पेशा नहीं है, क्योंकि 25% या 20% इसके जो वर्च्यूज हैं, इसके जो मेरिट्स हैं, वो मैचअप करते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ प्रोफेशन, फॉर्म्स एंड फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन के भी कुछ टाइप्स हैं, अलग अलग टाइप्स दे रखे हैं। ये सबसे फर्स्ट नंबर है एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन। एस्टैब्लिश प्रोफेशन, एस्टैब्लिश हो चुका है प्रोफेशन के रूप में। ठीक है, वो कौन सा है? तो बेस्ड ऑन द ब्रांच ऑफ बेस्ड ऑन द ब्रांच ऑफ नॉलेज के रूप में जो प्रोफेशन है वो एस्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल, फॉर एग्जाम्पल लॉ, ETC, ये ऐसे प्रोफेशन है जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, जिन जो बेस ऑन द ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज के एक स्पेसिफिक ब्रांच के रूप में ये स्थापित हो चुके हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं एस्टैब्लिश प्रोफेशन। दूसरा है सेमी प्रोफेशन, सेमी प्रोफेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन टेक्निकल, बेस्ड ऑन टेक्निकल, ये पूरी तरह से टेक्निकल बेस्ड होता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन टेक्निकल जो है उनमें है नर्स, असिस्टेंट, एक्सेट्रास। तो ये वो क्षेत्र हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर प्रोफेशन एक टेक्निकल नॉलेज के आधार पर छा चुका है, सेमी प्रोफेशन है। तीसरा है मार्जिनल प्रोफेशन, मार्जिनल प्रोफेशन क्या है? बेस्ड ऑन
मैकेनिकली एफिशिएंसी, बेस्ड ऑन टेक्निकली एफिशिएंसी, जहां पर टेक्निकली एफिशिएंसी की बात की जाती है। देखो एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल कॉस्ट की बात की जा रही है, तो टेक्निकली एफिशिएंसी है तो वहां पर इसको मार्जिनल प्रोफेशन कहा गया है, तो वो कौन सा है? ड्राफ्ट्समैन। और इसके बाद नेक्स्ट है वो है न्यू प्रोफेशन, न्यू प्रोफेशन की बात करें तो जो अभी नए नए रूप में फेमस है, तो जैसे न्यू सब्जेक्ट जो है केमिस्ट, सोशलिस्ट, एक्सेट्रास, ये कौन से हैं? ये न्यू प्रोफेशंस में, न्यू प्रोफेशंस का जो सेक्टर है उसमें है न्यू सब्जेक्ट्स जो अभी एट ए टाइम मॉडर्न रूप में चल रहे हैं, जैसे केमिस्ट है, सोशलिस्ट है, एक्सेट्रास। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट कौन से में आएगा? तो मैनेजमेंट आएगा वुड बी प्रोफेशन, भावी पेशे के रूप में। मैनेजमेंट अभी नहीं है, न्यू प्रोफेशन नहीं कह सकते, मैनेजमेंट भावी प्रोफेशन है, आने वाले समय के अंदर वुड बी प्रोफेशन। वुड बी प्रोफेशन, मैनेजमेंट को वुड बी प्रोफेशन क्यों कहा गया? क्योंकि बेस्ड ऑन मॉडर्न बिजनेस टेक्निक, मॉडर्न बिजनेस टेक्निक जो है वो डेवलप्ड हो रही है, तो मॉडर्न बिजनेस टेक्निक के बेस पे हम इसको वुड बी प्रोफेशन, भावी पेशा कह सकते हैं। भावी पेशा, तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट वुड बी प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक भावी पेशा है, और वो भी किस बेस पे है? मॉडर्न बिजनेस टेक्निक। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।